हाँ भैया, दो नारियल पानी लगाना। जी भैया। ये लो भैया आपका नारियल पानी। मीठा तो है ना नारियल पानी? हाँ भैया, बहुत मीठा है। अरे वाह, नारियल तो वाकई मीठा है। कितने रुपए हो गए भैया तुम्हारे? भैया 100 रुपए हो गए। ये लो साहब, आप मेरा एक काम कर दोगे? कैसे मदद, क्या हुआ? मेरी माँ की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो गांव में रहती है। वो आपके पास तो वो बड़ा वाला फोन होगा ना, वो फोन से कुछ करते हैं ना जिससे एक खाता से दूसरे खाते में पैसा चला जाता है। अच्छा, गूगल पे? आप भेज दो ना साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारे गूगल पे। कितने रुपए करने हैं? 5000 रुपए। 5000 रुपए, ठीक है। लेकिन एक बात है, अभी मेरे फोन का नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा, तो वो पैसे ट्रांसफर तो मैं कर दूंगा लेकिन शाम को ही कर पाऊंगा। कोई बात नहीं साहब, लेकिन आप कर जरूर दीजिएगा। वो क्या है ना, माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगा ट्रांसफर तुम्हारे पैसे। ये लो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे से गरीब की इतनी मदद करी। हाँ हाँ, पक्का कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है? ठीक है साहब। साहब ये लो आपका नारियल पानी। आप 2 दिन से कहाँ गायब थे, दुकान पर नहीं आ रहे, इसलिए मैं खुद नारियल पानी लेकर आ गया। साहब मेरी बहन से बात हुई थी, उसने कहा उसके खाते में कोई पैसे नहीं आए, एक बार आप चेक कर लीजिए ना। वो क्या है ना, माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पैसे मैं कहाँ से दूँ, सारे पैसे तो मैं खर्च कर चुका हूँ, ऑनलाइन भी और कैश भी, इतने तो वो भी खर्च कर दिया। साहब आप चुप क्यों खड़े हो, बताओ ना क्या हुआ? घर पर अभी तक पैसे नहीं पहुंचे, वो सब परेशान है। ओ अच्छा, वो तुम्हारे पैसे ना मैं शाम को ही ट्रांसफर कर दूंगा। वो एक्चुअली हुआ क्या ना, मुझे अर्जेंट 2 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ गया, इस वजह से मैं भूल गया था। आप लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, आज शाम को पक्का आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ साहब प्लीज, आप शाम तक पैसे पहुंचा दो। डॉक्टर का बार बार कॉल आ रहा है, अगर टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो माँ का इलाज बंद कर देगा। अरे यार तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, रोज तो नारियल पानी पीने आता था ना, 2 दिन इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैं मुंबई चला गया था। ठीक है, बेफिक्र रहो, शाम तक पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तुम घर पे पूछ भी लेना, पैसे पहुंचे मिलेंगे तुम्हें। जी साहब, आप शाम तक ध्यान से डाल दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपका नारियल पानी। हाँ हाँ, थैंक यू। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे दूँ कैसे मैं, सारे पैसे तो खत्म हो गए हैं। एक आइडिया मेरे पास, चला। सौरभ मैं कह रही थी ना, किसी गरीब का हक नहीं मारते, तू एक काम कर, कहीं से पैसे अरेंज करके उसके अकाउंट में डलवा दे पैसे। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या, इतना ईमानदार कौन होता है आज की डेट में, है? मैं देख लूंगा अपने आप मुझे क्या करना है, तू मुझे लेक्चर मत दे, चल अब। साहब नमस्ते, वो पैसे अभी तक नहीं पहुंचे खाते में, कल से 5 बार फोन लगा चुका हूं मैं। क्या पैसे नहीं पहुंचे? तूने क्या ड्रामा लगा रखा है, मेरा पीछा कर रहा है क्या? कभी पार्क में पहुंच जाता है, 2 बार तू मेरे घर के चक्कर लगा चुका है, मैं था भी नहीं, मेरे को बताया गार्ड ने कि नारियल पानी वाला आया था तुम्हें पूछने के लिए। अबे तू मुझे चोर समझ रहा है क्या? मैंने ना कल ही तेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे, अब वो नहीं पहुंचे तो उसमें मेरी सिरदर्दी नहीं है। जा एक काम कर, जाके बैंक से पता कर, तेरे पैसे वहीं कहीं अटक गए होंगे, मेरी तरफ से पैसे कट गए, जा वहां पे जाके पता कर। अरे साहब मैं ठहरा गरीब आदमी, अनपढ़ गवार, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं क्या करूंगा बैंक में जाकर, मुझे कुछ नहीं पता वहां क्या करते हैं, आप एक बार जाके पता कर लो ना। साहब ऐसा मत बोलो, मैंने अभी 5 मिनट पहले घर पे बात करी है, पैसे नहीं पहुंचे उनके पास। अच्छा तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं चोर हूँ जो तेरे पैसे मैंने तेरे अकाउंट में डाले हैं? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा है, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद मैं तेरे को स्क्रीनशॉट दिखाऊं, तेरी दुकान पे आऊं, तेरे को फॉलो करूं और बताऊं कि तेरे पैसे पहुंच गए हैं। मेरी साइड से ना पैसे कट गए हैं, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है पैसे देने की तुझे, समझ गया? आगे से यहाँ पर आ मत जाइए पैसे मांगने के लिए। मेरी अभी बहन से बात हुई है, डॉक्टर ने माँ का इलाज करने से साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ पैसे की पूछने के लिए।
अबे तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने पैसे रख लिए, तो जा मैंने पैसे रख लिए, तू यही समझ ले। अब एक काम कर, दोबारा जाके ना कहीं और जाके जमा करवा ले अपने पैसे खाते में, समझ गया? मेरा दिमाग मत खा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा से इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ, 5,000 रुपए और लाने में मुझे 15 दिन लग जाएंगे। तब तक कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ ऊपर चली जाए। भैया मैं कह रही थी ना, किसी गरीब का हक नहीं मारते। देखो ये कितना रो रहा है, इसकी माँ की तबीयत कितनी खराब है। ये लो पैसे और इसे दे दो। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी माँ इतनी मजबूर, इतनी बीमार है, और मैं तुम्हारे पैसे खाने की सोची। वो क्या है ना, पैसों को देखकर मेरा ईमान डगमगा गया, जबकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी पता नहीं कैसे मेरी नीयत खराब हो गई। तुम ये पैसे रखो और प्लीज़ अपनी माँ का इलाज कराओ। और हाँ, इन पैसों में ना मैंने 5,000 रुपये अपनी तरफ से मिला दिए हैं, वो तुम्हारी माँ के इलाज में काम आएंगे। और हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी किसी भी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा, और हाँ उसका फ्रॉड तो कभी करने की नहीं सोचूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो, आप तो बड़े आदमी हो, हम गरीब लोग, हमें तो आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कभी भी किसी भी गरीब इंसान का हक नहीं मारना चाहिए, और धोखेबाजी तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।